नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के बाद या उसके दौरान बेड शोर हो जाता है, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो बेड शोर ठीक हो जाता है तो वहाँ एक होल सा बन जाता है और वो स्किन इतनी नरम और इतनी नाजुक और इतनी मतलब मुलायम सी हो जाती है कि इतनी सेंसिटिव स्किन बन जाती है वो, कि उसके बाद अगर जैसे ही हमारा वहाँ पे हाथ लगता है, उंगल लगती है, कुछ भी लगता है, या गंदा कपड़ा लग जाता है हमारी बनियान वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारी जल्दी ऐसे खुजली सी, जलन सी पड़ने लग जाती है जो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करती है। तो उस चीज़ के लिए बचने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ पे ये होता है, अगर बेड शोर की जगह पे आपका हाथ लगने से या कोई चीज़ लगने से, कुछ भी लगने से आपकी वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है या उसको बहुत जलन या खुजली शुरू हो जाती है काफ़ी हद तक, तो आपको एक आसान तरीका बताता हूँ मैं कि आपने क्या करना है कि रोज़ शाम को सोते टाइम एक सरसों का तेल जो होता है उसकी मालिश करनी है। हल्का सा सरसों का तेल लेना है और जहाँ पे बेड शोर का निशान बना होगा आपका, जहाँ पे ठीक हुआ है, उस स्किन पे हल्के से आपने मालिश कर देनी है। तो जी आप रेगुलर करोगे सुबह या शाम को, दो टाइम या एक टाइम भी रेगुलर करोगे, तो वो बेड शोर की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो उस पर दोबारा कभी खुजली या कुछ भी हाथ लगाओगे तो वो आपकी खुजली दोबारा नहीं होगी वहाँ पे। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। कुछ महीने पहले मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि कुछ भी होता था तो मेरे वो बेड शोर की जगह पे काफ़ी खुजली होने लग जाती थी। तो फिर इस चीज़ के लिए मैंने कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से, तो उसने एक आसान तरीका बताया कि आप सरसों के तेल से या नारियल के तेल से वहाँ पे मालिश किया करो, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है, जो सेंसिटिव स्किन पे जो प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ को टच करने से, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये मेरे कुछ ही दिनों में ये ठीक हो गई। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। Thank you.